गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज कक्षा 12th का आर्ट का जो रिजल्ट आया वो शानदार आया, बहुत अच्छा आया। कई घरों में खुशियों का माहौल है, तो सभी अच्छे अंक से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को प्रिज्म इंस्टीट्यूट की ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ, हार्दिक बधाई। और जिन बच्चों के नंबर कम आए हैं वो बिल्कुल चिंता न करें, क्योंकि देखो नंबर कम आए तो आप आगे उसमें परिश्रम ज़्यादा करें। क्योंकि मैंने ये देखा है कि फर्स्ट रैंक वाला विद्यार्थी दुकान चला रहा है और जो थर्ड डिवीजन से पास हो रहा था वो विद्यार्थी आज जिले को कवर करता है, जिला चला रहा है। क्योंकि उस विद्यार्थी ने, जो विद्यार्थी थर्ड डिवीजन से पास हो उसने वाकई में बाद में बहुत ज़्यादा मेहनत की, आज वो कलेक्टर की पोस्ट पे है। और जो विद्यार्थी पहले इंटेलिजेंट होते हैं, हो सकता है कि समय रहते हुए उसने ध्यान आगे नहीं दिया है, थोड़ा लापरवाह हो गया, तो उस वजह से क्या है कि कई प्राइवेट जॉब भी करना पड़ सकता है। तो नंबर ज़्यादा मायने नहीं रखता है, यह मैच क्या है, कागज़ का टुकड़ा है। बाकी तैयारी करें, है ना, अच्छे नंबर जो बच्चा तैयारी करेगा, अभी स्टार्ट से ध्यान देगा, वो आगे चल के क्या अच्छे नंबरों को कवर कर पाएगा। तो अपने इसी सिलसिले में आगे चलते हैं कि कक्षा 10th का जो एक टॉपिक अपने स्टार्ट करवा रखा था, जो लेसन नंबर चैप्टर नंबर जो 3 है वो स्टार्ट करवाए थे मैंने, कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को लैंग्वेज के द्वारा बनाना अपने सीख लिए। भाषा के अंदर कोई प्रश्न आ जाए तो उस भाषा के द्वारा आप क्या करें, पहले उसको बीज गणित के रूप में लिख पाओगे, इतना मैटर अपने कवर कर लिया। साथ ही आपको 3 कंडीशन और बताई थी। पहली कंडीशन आपको मैंने क्या समझाया कि a1/a2, ये यदि b1/b2 के बराबर नहीं हो तो रेखाएं क्या करती हैं, आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करेगी। और रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेगी उस समय आपको क्या मिलेगा, एक अद्वितीय हल आपको मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, अद्वितीय हल मिलेगा। सेकंड कंडीशन मैंने आपको ये बताई थी कि यदि a1/a2 ये b1/b2 के बराबर हो जाए परंतु c1/c2 ये आपस में बराबर नहीं हो, उस समय रेखाएं क्या होती हैं, समांतर। रेखाएं कैसी होगी, समांतर होती, दोनों रेखाएं आपस में नहीं कटेगी, नहीं कटेगी तो इसका आपको क्या मिलेगा, कोई भी हल आपको नहीं मिलेगा। तो इसमें लेते हैं अभी कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तीसरी कंडीशन मैंने आपको यह समझाई थी कि यदि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर हो जाएं, उस कंडीशन में रेखाएं आपस में क्या होती हैं, समपाती होंगी, मतलब एक रेखा के ऊपर ही क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी दूसरी रेखा के। इस कंडीशन में आपको क्या मिलते हैं, अनेक हल आपको मिलेंगे। तो ये सिस्टम मैंने आपको करवाया था। अब इसी क्रम में देखो आगे चले कि आपको भाषा के द्वारा बीजगणित रूप में रेखाओं को लिखना आ गया। लिखने के बाद कौन सी रेखा प्रतिच्छेद करेगी, कौन सी रेखाएं समांतर होगी, कौन सी रेखाएं क्या होगी, समपाती होगी। तो इतनी जानकारी आपको मिल गई, आप आराम से बता सकते हैं कि कौन सी रेखाएं समांतर होगी, कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी और कौन सी रेखाएं क्या होगी, समपाती होगी। इसी क्रम में आगे चलते हैं कि ग्राफीय विधि के द्वारा, एक ग्राफ के द्वारा आप किस प्रकार से रेखाओं को रिप्रेजेंट आप कर पाओगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं, x+y बराबर क्या दे रखा है, 5। क्या दे रखा है, x+y बराबर 5। अब इसी क्रम में एक रेखा का समीकरण है, दूसरी रेखा का एक समीकरण और लेता हूं कि 2x+2y बराबर क्या दे रखा है, 10। सबसे पहले चलो इसी को रिकॉल करते हैं, इस प्रश्न में ऐड करवा लेते हैं। वो कह रहा है कि दी गई रेखाएं, क्या पूछेगा कि दी गई रेखाओं का युग्म, युग्म मतलब दो रेखाएं होगी, दो रेखाओं के समीकरण आपको दे रखे हैं, दी गई रेखाओं के युग्म क्या प्रतिच्छेद करेंगी, समांतर होगी या समपाती होगी, ये पहले आपको बताना है। बताने के बाद इसका ग्राफीय निरूपण भी कीजिए, मतलब इसका ग्राफ भी बनाए। तो ग्राफ बनाना बिल्कुल आसान है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, पहले पता लगाएंगे। आप ये बताएं, a1 कौन होगा, x का गुणा, क्या दे रखा है, 1। b1 कौन होगा, पहली रेखा का y का गुणा, ये भी 1 है। c1 के लिए आप एक काम करो, पहले आप इसको यहां लाओ, मतलब इस रेखा के समीकरण को इस रूप में लाओ, सामने क्या लाओ, 0।
इसी प्रकार इस रेखा के समीकरण को भी आप सामने क्या रखें, जीरो इधर ले आओ, तो C1 की वैल्यू क्या होगी, माइनस की 5। इसी प्रकार A2 का मान आपका 2, B2 का मान भी कौन है 2, C2 का मान क्या है, C2 का मान है माइनस का 10। अब ये निकालते हैं भाई, A1 बटा A2 निकाले तो 1/2 आ गया। इसी प्रकार B1 बटा B2 निकाला, ये भी 1/2, C1 बटा C2 निकाला, माइनस 5 बटा माइनस का 10। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 के टेबल से ये एक बार, ये दो बार, तो C1 बटा C2 भी क्या है 1/2। तो आपने ये गौर किया है कि इन तीनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। क्या हुआ कि A1 बटा A2 बराबर आ गया कौन, B1 बटा B2 बराबर क्या आ गया, C1 बटा C2। ये कंडीशन आ गई, और ये कंडीशन कौन सी कंडीशन है, आपकी तीसरी कंडीशन है, रेखाएं क्या होगी, संपाती होगी। तो ये देखेंगे कि तो रेखाएं परस्पर क्या होगी, संपाती होगी। संपाती होगी तो आप ग्राफ बनाए, इसका ग्राफ के निरूपण करवाएं। ये होगी आपकी एक्स एक्स, और ये वाली कौन सी होगी, वाई एक्स, है ना। देखो बड़े आराम से आपको पेपर के अंदर ग्राफ मिलेगा, ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है कि रेखाओं के द्वारा डायरेक्ट ग्राफ कैसे बनाए। ग्राफ के द्वारा आप टेबल को भर सकते हैं, फिल आप कर सकते हैं। जैसे भाई रेखा बनाने के लिए मेरे पास ये रेखाओं के दो समीकरण दे रखे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दे रखे उस समय ये बताएं कि एक रेखा बनाने के लिए, मैंने आपको स्टार्ट में ये पढ़ाया था कि एक रेखा बनाने के लिए आपके पास कितने बिंदु होने चाहिए, दो। कितने बिंदु होने चाहिए, दो। जैसे एक बिंदु ये रहा, एक ये वाला, दोनों को आप मिलाओगे आपके पास रेखा आ जाएगी ना। तो ये दो बिंदु आपको ढूंढने कहाँ पर है, ये दो बिंदु कहाँ ढूंढने, पहला बिंदु आपको कहाँ ढूंढना है, एक्स एक्स पर। एक्स एक्स पर यदि आप बिंदु देखोगे तो आप ये ध्यान रखें, एक्स एक्स पर आप कहीं पर भी चले जाओ आपका वाई निर्देशांक क्या रहेगा, जीरो। एक्स एक्स पर आप कितना भी घूम ले, कहीं भी चले जाए, चाहे नेगेटिव की ओर चाहे पॉजिटिव की ओर आप चले जाओ, हमेशा वाई क्या रहेगा, जीरो। तो एक्स एक्स पर बिंदु ढूंढने के लिए पहला काम करें, पहले समीकरण में वाई को क्या रखो, जीरो। वाई को मैंने जीरो रखा, एक्स का मान क्या आ गया, सीधा 5 आ गया। तो बिंदु आया मेरे पास क्या, 5, 0। वाई तो आप 0 पढ़ रहे ना, तो एक्स एक्स पर 5 यहाँ कहीं ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। आईडिया से ले रहा हूँ, मेरे पास क्या ग्राफ नहीं है, आपके पास बिल्कुल ग्राफ होगा, बिल्कुल परफेक्ट जगह पे आएगा। एक डिब्बे को क्या ले लेना, 1, 2, 3, 4, 5। एक बिंदु मैंने निकाल लिया, वाई को मैंने लिया 0, क्यों, क्योंकि एक्स एक्स पर बिंदु ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्स एक्स पर आपका वाई क्या रहेगा, 0। जैसे आप यहाँ वाई की जगह 0 रखोगे, एक्स का मान आ जाएगा, एक बिंदु आ गया। अब इसी रेखा, इसी समीकरण नंबर 1 से रेखा बनाने के लिए एक और बिंदु चाहिए, दूसरा बिंदु आप कहाँ ढूंढोगे, वाई एक्स पर। देखो तो वाई एक्स पर हमेशा एक्स आपका क्या रहता है, 0। एक्स क्या रहेगा, 0। इस बार एक्स को 0 रखेंगे तो वाई का मान क्या आया, 5। तो बिंदु क्या आया, पहले एक्स रखा था, तभी कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहला हमेशा x का निर्देशांक होगा, दूसरा होगा y का, x, y। इस प्रकार लिखते हैं, x, y के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो 5 आपको देखना y का, 1, 2, 3, 4, 5। आइडिया से यहाँ कहीं लगा लेते हैं, क्या रहा मेरे पास बिंदु, 0, 5। अब मैंने इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर दिए, ये रेखा नंबर 1 की समीकरण आपको, सॉरी रेखा नंबर 1 का जो ग्राफ है आपको मिल गया। अब भाई पेपर के अंदर जो डिब्बे बनाने, डिब्बे कैसे आपने देखे होंगे, ये साइड में ये बना रखे हैं, एक दो लाइनें भी लिखते हैं ऐसे, तो यहाँ लिखते हैं एक्स और वाई, किसके लिए, समीकरण नंबर 1 के लिए। पहले समीकरण से आपने लाइन को ड्रॉ करवाया, तो समीकरण नंबर 1 के लिए डिब्बा बनाओ। तो दो बिंदु तो आपने निकाल रखे, दो कैसे, एक तो आपने क्या लिखा, एक्स का मान 0 लिया, उस समय वाई क्या आया, 5। एक आपने x का मान, सॉरी y का मान 0 लिया, तो x का मान क्या है, 5। अब बाकी का एक या दो बिंदु आप कहां से दर्शाओगे, सिंपल सी बात है, आप ग्राफ पेपर पर यदि ड्रॉ करोगे तो आपको बीच में कोई ना कोई बिंदु और मिल जाएगा। जैसे मान लो यहाँ का बिंदु, तो उसको पढ़ लेना कि x x पर कितनी दूरी पर है और y x पर कहाँ है ना, x x पर कहाँ है, y x पर कहाँ है, तो वो आपको मिल जाएगा। जैसे मान लो यहाँ कहीं ले लेते हैं, ये जैसे 2 आ रहा है, y पर क्या रहा, 3। तो जैसे x का मान क्या रखा, 2, वाई का मान क्या मिला, 3। ये आप उस ग्राफ के अंदर से निकाल के उस डब्बे को फिल करवा दें, अलग से आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तो रेखा 1 का, जो रेखा नंबर 1 है आपकी, समीकरण नंबर 1, उसका ग्राफ आपने बना लिया।
रेखा दो पर चले, तो रेखा दो पर भी देखो वही काम वापस करो, ये भी रेखा ही है आपको चाहिए क्या, दो बिंदु आपको चाहिए, तो दो बिंदु कहां लेंगे, पहला बिंदु लिया जाएगा एक्स एक्स पर, तो एक्स एक्स पर बिंदु देखोगे तो वाई क्या रहेगा, जीरो। समीकरण नंबर दो आप ये वाई को क्या रखें, जीरो। जैसे वाई जीरो हुआ आप ये देखो बच गया क्या कि दो एक्स बराबर दस, क्या रह गया कि दो एक्स बराबर दस रह गए। अपने काम करते हैं, क्या बचे भाई, दो एक्स बराबर दस, एक्स का मान क्या आ गया, पांच आ गया, भाग लग के, तो बिंदु आपके पास पहले ही ड्रॉ कर रखा है आपने, यही बिंदु वापिस आ रहा है पांच कोमा जीरो, क्या आया पांच कोमा जीरो। इसी प्रकार वाई एक्स पर बिंदु ढूंढने के लिए इस बार एक्स क्या रहेगा, एक्स रहेगा इस रेखा वाई एक्स पर क्या रहेगा, जीरो। तो ये जीरो करवाया, बचा कौन, दो वाई बराबर दस, वाई का मान क्या आ गया पांच, तो ये भी बिंदु आपने पहले से लगा रखा है, और ये भी पता है कि रेखाएं संपत्ति है तो इसके ऊपर ही आएगी, तो बिंदु आपको यही मिलेंगे वापस। अब मैं दूसरे वाली रेखा को इसके ऊपर क्या बना दूं, डॉट डॉट के द्वारा बना देता हूं। आपके पास दो तरह के पेन हो, अलग अलग कलर से एक पेंसिल से एक पेन के द्वारा आप ड्रॉ करवा दें, ये रेखा नंबर क्या आ गई, दो आ गई, संपत्ति है तो इसमें देखो कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण नंबर दो के लिए टेबल बनाई हुई, समीकरण नंबर दो के लिए आप क्या बनाए, टेबल को बनाओगे तो सेम वही आप पहले तो क्या लिखें, x और दूसरा y, पहला बिंदु तो वही x का मान क्या रखा, जीरो, y क्या मिला पांच, फिर y का मान जीरो रखा, x का मान क्या आया पांच, और दूसरे वाले भी सेम ही देख दो कि रेखाएं आपस में क्या संपत्ति है, तो एक दूसरे में वही मिलेगी जो बिंदु आपने बीच में से उठाया, या चेंज करवा के भी लिख सकते हैं कि x का मान क्या ले लें तीन, तो y उस समय आपका क्या आएगा दो आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, आप ग्राफ में देखोगे आपको मिलेगा। तो ये है आपका क्या, ग्राफीय निरूपण, क्या कहलाते हैं, ग्राफीय निरूपण, रिप्रेजेंटेशन है ना, ग्राफ में रिप्रेजेंट आपको करवाना दो लाइन को। तो ये तो चेक करने का तरीका कि रेखाएं संपत्ति होगी या प्रतिच्छेद करेगी ना, कहाँ करेगी, वो आपको ग्राफ के अंदर उसका आंसर मिल जाएगा। इसके अंदर संपत्ति बहुत सारे बिंदु आपस में क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं, ठीक है, इसीलिए दोनों टेबल मैंने एक जैसे लिखी है। अब यदि रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो आपको पर्टिकुलर एक बिंदु उसका हल आपको मिलेगा। इसमें स्क्रीनशॉट यदि आप लेना चाहें तो ले ले, आराम से आप पॉज करके इसको देखें। एक प्रश्न अपने और लेते हैं ना, बढ़िया शानदार एक प्रश्न और लेते हैं, दो से आपको क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से एक बार आप देख लें। ऐसे प्रश्न आते हैं, ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं आते, बिल्कुल आसान और बढ़िया प्रश्न आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, एक अपने लैंग्वेज के अंदर एक प्रश्न भी दे रखा है उसी को ही ले लेते हैं, ताकि दोनों तीनों काम एक साथ हो जाए, मतलब बीजगणित के रूप में रिप्रेजेंट आप कर पाओ, उसके साथ ये बता पाओ कि रेखाएं आपस में कटेगी या नहीं कटेगी, उसके साथ में आप ये भी समझा सकें कि भी इनका जो ग्राफीय निरूपण है वो किस प्रकार से करवाया जाए। तो दो प्रश्नों से अपने पूरा कर लेंगे, जैसे एक मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। हाँ, एग्जाम्पल इस प्रकार से देखें, जैसे अभी और समझा लेता हूं कि पांच पेंसिल व दस पेन का मूल्य, पांच पेंसिल और दस पेन का मूल्य साठ रुपए तथा इस बार ये ले लेते हैं कि 10 पेंसिल व 5 पेन का मूल्य, चेंज करवाएं क्या, चेंज करवा लेते हैं, इसकी जगह ले लेते हैं अपने जैसे 6 पेंसिल और 15 पेन का मूल्य अपने ले लेते हैं, लगभग क्या ले इसमें आप कितना भी ले लें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, आप इसमें ले लो जैसे 100 ले लेते हैं, चलो क्या है 100 रुपए, कितने 100 रुपए। तो अब आपको लिखना करना क्या है कि इस दी गई समस्या का आप बीजगणित के रूप में इसको रिप्रेजेंट करवाएं और उसके बाद इसका हल भी निकालें, क्या निकालें, इसका हल भी निकालें। पहले देखें आपको बीजगणित रूप में आपको यदि लिखना है समीकरणों की फॉर्म में आपको लिखना है, देखें आपको दे क्या रखा है, पेंसिल और पेन दो चीजें हैं, एक पेंसिल की कीमत मालूम नहीं है
और नहीं आपको एक पेन की कीमत मालूम है, तो अपने एक काम करवाते हैं, मान लेते हैं, क्या करते हैं, मानते हैं कि माना एक पेंसिल, माना एक पेंसिल का मूल्य एक्स रुपए और एक पेन का मूल्य अपने क्या ले लेते हैं, वाई रुपए ले लिए। अब समीकरण बनाए भी, पहली लाइन को पढ़ते हैं, पांच पेंसिल, तो एक पेंसिल के एक्स रुपए लग रहे थे, पांच पेंसिल के कितने रुपए लगेंगे, पांच एक्स, फिर प्लस एक पेन की कीमत वाई रुपए है तो दस पेन की कीमत क्या होगी, दस गुणा वाई बराबर दोनों रकम को जोड़ोगे, दुकान वाले कितने रुपए दे के आ रहे हो, साठ रुपए। समीकरण नंबर क्या हो गई, एक हो गई। इसी क्रम में दूसरी समीकरण कि छह पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य एक्स, छह का क्या होगा, छह एक्स, पंद्रह पेन है, एक पेन का वाई रुपए है, पंद्रह पेन का क्या होगा, पंद्रह वाई, और दोनों मिला के कितने रुपए लग रहे हैं, सौ रुपए लग रहे हैं। समीकरण नंबर क्या आ गई, दो आ गई। कई बार देखो समीकरण है अगर बड़ी हो तो उनको आप छोटा भी करवा सकते हैं, कॉमन वगैरह लेके है ना, छोटा भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसको मैं छोटा करवा के दिखाऊं, देखो आप देखो कॉमन आना चाहिए, इन दोनों में से कॉमन आ रहे, साथ भी ध्यान में रखें कि ये भी कटता रहे ना, साथ छोटा होता रहेगा, तो इन दोनों में से मैं पांच कॉमन ले लू, पांच जैसे कॉमन लिया क्या आ गया, एक्स प्लस में दो वाई बराबर क्या है, साठ, पांच को उधर भाग करवाओगे, समीकरण नहीं आपके पास आ जाएगी, पांच का भाग कितनी बार जाएगा करके देख दो, साठ में क्या है, पांच का भाग एक बार लगाओ, पांच एकम पांच, फिर क्या रहेगा, दो बारह, क्या आया, बारह। समीकरण नंबर क्या आ गई, अब इसको एक नंबर बना लो, आप समीकरण पहले वाली हटा के इसको एक नंबर बना लो, दूसरी को भी देखो थोड़ा सा करवा लेते हैं, इन दोनों में से तीन कॉमन आ जाएगा, देखो तीन आपने कॉमन लिया, तीन से देखो बेनिफिट नहीं है, कटेगा नहीं, आप दो कॉमन ले लो, आपने क्या लेते हैं, दो, दो भी नहीं आ रहा, दो भी नहीं आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको रहने दो, फिर ऐसे रहने दो, छह एक्स प्लस पंद्रह वाई बराबर क्या लिया, भाई सौ, समीकरण नंबर क्या आ गई, दो आ गई, ठीक है, नहीं आ रहा कॉमन, कोई दिक्कत नहीं, यदि कॉमन आ रहा तो ही ले, कॉमन यहां से तो आ रहा है परंतु ये कट नहीं रहा है, नहीं कट रहा तो क्या बेनिफिट है बताओ, या एक काम करें काटने के लिए छोटा करवाने के लिए मैं प्रश्न को देखो थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, चेंज क्या देखो अपना ही बना रखा है, यहाँ 90 कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, नब्बे रुपए लगते हैं, तो अपने एक काम कर लेंगे, सौ की जगह क्या लिखना आपको, नब्बे तो लिखना, देखो अब कॉमन आ जाएगा ना, अब ले लो, तीन कॉमन आ रहे हैं, तीन कॉमन ले, क्या रह गया, दो एक्स प्लस पांच तीन पंद्रह पांच वाई बराबर क्या रखा, नब्बे, तीन का भाग करोगे नब्बे में क्या आएगा, दो एक्स प्लस में पांच वाई बराबर तीस आ जाएगा, समीकरण नंबर क्या होगी, दो। तो ये तो देखो काल्पनिक मैंने बनाए हैं, आपका प्रश्न आएगा बिल्कुल है ना, अगर कॉमन आएगा तो वो संख्या कटेगी ना, कोई घबराने की दिक्कत नहीं है, तो अपने समस्या जो व्याख्या के अंदर जो प्रश्न दे रखा था उसको अपने क्या कर लिया, गणितीय रूप में लिखा, लिखने के बाद उनको फिर छोटा कर लिया, छोटा करने के बाद अब पता लगाना है कि रेखाएं किस प्रकार की होगी तीनों में से। तो देखो A1 की वैल्यू लिख रहा हूँ, A1 पहले समीकरण में x का गुणांक एक, B1 का मान दो, C1 इधर लाओ तो माइनस का बारह, इसी प्रकार A2 का मान क्या है, दो, B2 का मान क्या हो गया, पांच, C2 का मान इस साइड लेकर आओगे तो माइनस का क्या जाएगा, तीस। अब इनमें वो लगाएं, भाग लगा के निकालें, तो A1 बटा A2 क्या निकाल लेते हैं, पहले A1 बटा A2 की वैल्यू, A1 आपका 1 है, A2 कौन है, 2, इसी प्रकार B1 बटा B2 निकालोगे क्या आएगा, 2/5, इसी प्रकार C1 बटा C2 निकालोगे क्या आएगा, माइनस का 12/-30, ये काट दो, ये संख्या कट रही है, काट दो, किसके पाड़े से काट रहे हैं, तीन के पाड़े से काट दो, ये चार बार, ये दस बार, फिर दो के पाड़े से, दो और पांच, तो मान क्या आया, 2/5 आ गया। तो उस कंडीशन में आप देखें कि ये जो दोनों है ये आपस में क्या बराबर नहीं है, स्टार्ट वाले बराबर नहीं है, A1 बटा A2 क्या है, बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, तो अपने कह देंगे पहली कंडीशन आ गई, तो रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, रेखाएं क्या होगी, आपस में प्रतिच्छेद करेगी। तो ये पता चल गया आपको, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। अब आपको करना क्या है, ग्राफ बनाना है, ग्राफ पेपर आपके पास होगा उससे लेके आप आराम से बनाएं, एक्स एक्स आपको लिखना है इस साइड, ये आपको क्या लेना है, देखो वाई एक्स आपको लेना है, ये वाई एक्स आपको। अब लेने के बाद में अब इनमें देखो आपके समीकरण नंबर एक और दो, ये पहले समीकरण के लिए ग्राफ बनाने के लिए मैंने आपको आसान तरीका बताया कि एक बिंदु एक्स एक्स पर आप देखोगे तो वाई उस समय क्या रहेगा, जीरो, एक्स का मान क्या आएगा, बारह, तो 12 आया तो 12 यहाँ कहीं ले लेते हैं, ये आपका आ गया 12.0, ठीक है, थोड़ा नजदीक भी होंगे, यहाँ कहीं ले लेते ना, ग्राफ मेरे पास तो क्या है, बोर्ड पे बनाना थोड़ा टेढ़ा काम है, आपके पास ग्राफ होगा आराम से देखना। इसके बाद में
अब बिंदु कहाँ देखे वाई एक्स पर, वाई एक्स पर देखेंगे तो एक्स का मान क्या रहेगा जीरो, वाई का बचा कौन दो वाई बराबर बारह, वाई का मान क्या आ गया छह आ गया। तो यहाँ कहीं बिंदु ले लेते हैं, क्या आया जीरो कमा छह, इन दोनों को आप मैच करवा दे, मैच करोगे रेखा एक आ जाएगी। रेखा एक के लिए आप टेबल इस प्रकार से तैयार करवा देना, ग्राफ में से देख के पहले y का मान 0 रखा, x का मान 12 आया, फिर x का मान 0 रखा, y का मान क्या आया 6। एक बिंदु आप इसमें से देख के बढ़ जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब रेखा नंबर दो के लिए बढ़ाओ, काम क्या करना वही काम, x x पर पहले बिंदु देखोगे तो y आपका क्या रहेगा 0। तो देखो 2x बराबर क्या आया 30, 2 का भाग करवाओगे कितना आ जाएगा 15, 12 से आगे आएगा, यहाँ कहीं ले लेता हूँ मैं 15, 0, एक बिंदु आ गया। इसी प्रकार वाई एक्स पर बिंदु देखेंगे तो x आपका क्या रहेगा 0, 5 वाई बराबर 30, 5 का भाग करो y का मान क्या आ गया 6, एक बिंदु आ गया आपका ये वाला, यही है सेम है ना, पहले से लिखा हुआ 0, 6। आप इनसे होकर जाती हुई एक रेखा बनाओगे तो ये आ गई रेखा नंबर दो। अब देखो इस प्रश्न में मजेदार है ना, मजे की बात क्या है कि आपने कहा कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, तो देखो रेखाएं कहां कट हो रही है, यहां कट हो रही है, यहां कट हो रही है ना, ये यहां कट हो गई, यहां कट हो गई। तो आपको ये जानकारी के अंदर रहना चाहिए कि प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु आपको क्या मिला 0, 6, कितना मिला है 0, 6 आपको मिल गया। तो देखो थोड़ी जगह की शॉर्टेज में यहां लिखता हूं, आपको प्रतिच्छेद बिंदु क्या मिला, तो प्रश्न नीचे लिखेंगे कि प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु क्या आया 0, 6 आया, 0, 6 आया। तो इसका मतलब x का मान तो आपके पास क्या है 0, y का मान क्या आया 6 आ गया। तो x का मान क्या आया 0 और y का मान क्या आ गया 6, तो ये आपका हल भी आ गया, आपको क्या मिला एक हल भी मिल गया, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा कि इस प्रश्न का हल क्या आएगा, x का मान क्या रहेगा 0, y का मान क्या रहेगा आपका 6 आ जाएगा। वैसे एक काल्पनिक मैंने बनाया था, हो सकता है एग्जैक्ट उत्तर आपको नहीं मिले, बाकी करने का तरीका पैटर्न आपको बड़ी आराम से समझ आया। इस प्रश्न में देखो सारा बता दिया, पहले बीजगणित रूप में बनाना आपको समझा दिया, ये समझाने के बाद में आपको ये बताया कि रेखाएं आपस में कैसे होंगी, प्रतिच्छेद करेगी नहीं करेगी, संपत्ति होंगी किस प्रकार की होगी वो, उसके बाद ग्राफीय निरूपण। तो अपना ये जो टॉपिक चल रहा है, अपना जो ये चैप्टर, जो तीसरा चैप्टर मैंने स्टार्ट करवाया कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इसमें देखो स्टार्टिंग सारा मैटर हो गया, लगभग ग्राफ बनाना आप सीख जाओगे, दो चार प्रश्न आपको हो सकते हैं और करवाऊँ, नहीं आप खुद अभ्यास करें प्रश्नावली में से उठा के। अब आगे चलेंगे कि इन समीकरणों को, जो ये आपके बीजगणित समीकरण आती हैं, इन समीकरणों को हल करने की कितनी विधियां हैं, कैसे एक्स और वाई के मान बिना ग्राफ के भी अपने निकाल सकते हैं, तो ये मेथड अपने आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर करेंगे और आराम से अच्छे से पढ़े। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ओके।